हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको इसी उसमें बता रही हूँ, मैं डायरी लिखती हूँ। तो आज से मैं एक माई डायरी के नाम से जो मैं अपनी कुछ अतीत की कुछ घटनाएं आपके संग शेयर करूँगी। वैसे भी चाहे मैं कुकिंग टिप्स दे रही हूँ, चाहे मैं ब्यूटी टिप्स दे रही हूँ, होते तो मेरी डायरी का ही अंश है। और आपको याद होगा, अगर आपने मेरे वो देखा होगा कि मुझे मैंने दो वीडियो ऐसे डाले थे जो मुझे एक ऊपर वाले की मतलब एक अजनबी ने आके, वो कौन था, कहाँ से आया था मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मेरे को ऐसी हेल्प करी थी जिसके लिए मैं आज तक उसको याद करती हूँ। सही दिल से उसका शुक्रगुजार। तो मैंने डाला था कि वो अजनबी कौन था के नाम से, जब मेरी गाड़ी पुलिस वालों ने उठा ली थी तब कैसे कोई अजनबी मुझे मिला और उसने पुलिस वालों से मेरी गाड़ी वापस ले पाई। और दूसरी घटना मैंने डाली थी कि जब मेरा छोटा सा 3.5-4 साल का बच्चा था जो कुंडला स्टेशन से गायब हो गया था, तब कौन सा एक अजनबी था जिसने आके मेरे बच्चे को मुझे वापस दिया, जबकि मतलब स्टेशन से गायब हुए बच्चे को एक मिनट में नहीं लगता भिखारियों का गैंग तुरंत पकड़ के ले जाता है। और ये स्टेशन तो सबसे ज़्यादा बदनाम होते हैं, इस तरह की कई घटनाएं। तो फिर अब फ्रेंड्स, मुझे लगा कि मैं आपके संग जब सब चीज़ शेयर है तो फिर मैं अपने माई डायरी के नाम से आपके संग अपने जीवन की कुछ घटनाएँ शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। आप जानती हैं मेरा नाम ऋचा शर्मा। मेरे जो फादर हैं, मतलब मैं एक वेल टू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी, मेरे फादर इलाहाबाद बैंक में मैनेजर थे। अब तो उनका स्वर्गवास हो गया है, और लेकिन ये कि अच्छी प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करती थी। और मैं बता दूं, हम लोग भारद्वाज ब्राह्मण हैं। और उसके वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आपको दे रही हूँ। मैं आपको फ्रेंड्स एक बात और ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम लोग भारद्वाज ब्राह्मण हैं, लेकिन आज तक मतलब मेरी और मेरी से आने वाली पीढ़ी जो है, जो हम लोगों के बच्चे हैं, जो मतलब भाई का बेटा है, मेरी बहन का बेटा है, हम सब लोगों ने आज तक अपने पूर्वजों की, अपने मतलब लोगों के जो रूल्स रेगुलेशन जो हमारे ब्राह्मणों की वो होती है गरिमा, उसको बनाए रखा है। मतलब अभी तक आगे की पीढ़ी का मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारे बाद की जो हमारी सेकंड पीढ़ी तक भी मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन का किसी चीज़ का समावेश अभी तक हमारे परिवार में नहीं। आज तक हमें मतलब हमारे ये जो बच्चे हैं जो 20-20 साल के हैं अभी, ये लोग भी कहते हैं कि लोग ड्रिंक क्यों करते हैं या मांस मदिरा क्यों खाते हैं। अभी तक हमारी फैमिली आगे का नहीं पता। अब देखो, हम लोगों ने तो अभी अपने संस्कारों की लाज रखी हुई है जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिए थे, और हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, और इन कहते हैं ब्राह्मणों को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अभी तक तो है, आगे छोड़ जाएंगे। तो उसी क्रम में आपको मैं फ्रेंड्स बता रही हूँ, जो मेरे पिताजी थे लास्ट टाइम पे जब था, हालांकि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, मतलब हमारे घर से भगवान टॉकी जो है कमला नगर में रहती हूँ, से भगवान टॉकी लगभग करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन मेरे पिताजी इतनी फास्ट गति से पैदल चलते हुए निकल जाते थे कि बस हम लोग गाड़ी करके उन्हें मतलब इतनी दूर 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना, जब वो 60 के थे तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत एक्टिव लोग कहते थे, अभी तो यहाँ देखा था 5 मिनट बाद ही वो वहाँ पे दूर को दिखाई देते थे। मतलब बहुत तेज थे, बहुत एक्टिव थे, बहुत स्वादिक थे, पूजा पाठ इन सब चीज़ों में पिताजी की बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो वही लक्ष्य सब उस संस्कार में हम सब बच्चों में आई और हमने अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अभी दिए हैं। तो लास्ट के 1 वीक केवल मेरे पिताजी बहुत बीमार रहे थे, बाकी तो चलते फिरते, मतलब 5 दिन वो हॉस्पिटलाइज्ड भी रहे थे। तो उसी समय की घटनाएं फ्रेंड्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि अब जब पिताजी को मतलब उनका एक्चुअली लीवर ख़राब हो गया था। हमारे पिताजी फादर मेरे पापा वो थे मतलब बैंक मैनेजर, उनका क्लास था गुवाहाटी, असम वगैरह, मतलब मेरा यूपी में नहीं बीते हैं। हम लोग सारे भाई बहन मोस्टली बंगाली एरिया में, असम, शिलोंग, करीमगंज, इन सब जगह पे हम लोग रहे हैं। तो हम लोग के बाहर की मतलब ज़्यादा वो है। इवन देन आज तक हमने अपने जो कस्टम है, जो रूल्स है ज़िंदगी के, उनसे समझौता नहीं किया। आप फ्रेंड्स भरोसा करेंगे, मेरा भाई हर मंथ 10 दिन 12 दिन 15 दिन विदेश जाता है। तो वो अपने साथ खूब सारी चॉकलेट्स, घर के बनाए हुए लड्डू, बटरी, ये सब ले जाएगा।
लेकिन ये नहीं करेगा कि वहाँ जाके खा ले या वो कर ले, क्योंकि हर जगह ये वाला फूड मिलना पॉसिबल नहीं होता है। चलिए वो एक मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी फ्रेंड्स। तो मेरे पिताजी बहुत बीमार पड़े, हॉस्पिटल जो है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट वहाँ पे हमारे फादर भर्ती थे और वो कोमा में पहुँच गए। मतलब लास्ट के 5 डेज पिताजी मेरे फादर कोमा में थे और हम सब लोग, क्योंकि मतलब एक तो दिल्ली हमारे लिए नया शहर था, हालांकि भाई की जॉब लग चुकी थी पर मुझसे गए हुए ज़्यादा वक्त में 1-2 साल हुआ था तो उतना नहीं था। तो एम्स के मैं डॉक्टरों ने हाथ जोड़ दिए थे बिल्कुल ही, उन्होंने कहा था कि सवाल ही नहीं उठता, कोई चमत्कार बचा ले तो बचा ले, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब तो हम लोगों में मतलब सारे लोगों को महामृत्युंजय जब की शक्ति का शायद पता होगा, सब जानते हैं कि महामृत्युंजय से मृत्यु को रोका जा सकता है अगर उसका सही तरीके से पाठ पठन वगैरह किया जाए। मतलब ब्राह्मणों के द्वारा बिल्कुल उच्च कोटि का उच्च कोटि मतलब जो वास्तव में जिस इन सब चीज़ों से दूर रहता होगा, जिसके पूरे संस्कार होंगे, जिसे लोग महामृत्युंजय जप करना पूरी तरह पूर्ण पवित्रता से और बिल्कुल सही उच्चारण करना आता होगा, तो महामृत्युंजय में ये हम लोग सुनते आए हैं। इसको मैंने अपनी जिंदगी में किस तरह देखा, तो अब क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं तो निश्चित रूप से, और मेरी जो भाभी है वो उसके पिताजी दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ संस्कृत विद्यापीठ उसमें प्रोफेसर है संस्कृत के, तो निश्चित रूप से हम लोगों के मतलब आना जाना ब्राह्मणों में और कुछ उसके उसमें कहना चाहिए कि हम लोगों की मतलब जान पहचान में बहुत सारे ऐसे पंडित वगैरह थे जो मतलब वास्तव में हर वेद पुराणों को कंठस्थ न किए के अलावा उन सब करने का मतलब पूजा की पूर्णतः विधि इन सब श्लोकों का कहूँगी कि जो हम लोगों के यहाँ मतलब हिंदू समाज में ये महामृत्युंजय गायत्री मंत्र और भी कई मंत्र हैं, ये वास्तव में पावर वाले मंत्र हैं। अगर कोई ब्राह्मण जिसने मतलब जो वास्तव में मतलब सारी जिसकी क्रियाएं वगैरह सब ब्राह्मणोचित होनी चाहिए, नाम का ब्राह्मण होने से कुछ नहीं होता है कि उसने अपना सरनेम ब्राह्मण लगा दिया, वो नहीं, उसके सारे गुण वगैरह भी हों और वो पूर्ण स्वच्छ बिल्कुल स्वात्विक तरीके से रहता हो, और इन अगर इस लोगों का मतलब गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, पूर्ण विधिवत अगर उच्चारण करता है, तो इनका इफेक्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मेरी जो भाभी है वो भी उनके पिताजी लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली में है उसमें संस्कृत के प्रोफेसर हैं। बिकॉज हम लोग पंडित हैं तो हम लोगों को मतलब इस सर्किल में उठना बैठना हमारा है। तो जब हमारे पिताजी खैर मैं आती हूँ, जब हमारे पिताजी हॉस्पिटलाइज थे और कोमा में थे तो हम सब लोगों की जान निकल रही थी, क्या है मतलब क्या करें, ब्लड लगातार चढ़ रहा था, सब कुछ हो रहा था कि क्या करें, और हम लोग मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि ये, क्योंकि मेरे पिताजी उस समय मात्र 61 ईयर ओल्ड थे और मतलब बहुत हम चारों भाई बहन मतलब वो सेटल हो चुके थे अपनी लाइफ में, बट 60 साल 61 साल कोई उम्र ज़्यादा नहीं होती जनरली, मतलब कि हम ये सोच सकते हैं, और पिताजी जिस तरह हमारे एक्टिव थे उस हिसाब से हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतनी जल्दी हमारे पिताजी हमें छोड़ के चले जाएंगे। हमें लग रहा था 70-75 साल तो अमूमन आदमी सोचता ही है कि 70-75 साल तो उम्र हो ही जाएगी, पर तो हम लोगों ने वहाँ पे उनके पिताजी के थ्रू कॉन्टैक्ट किया, संपर्क किया कि हमें मतलब वहाँ पता चला कि महामृत्युंजय वहाँ पे कोई पंडित जी हैं जो पूर्ण विधिवत महामृत्युंजय का जप करना चाहते हैं और उसके लिए वो है। तो फिर हम लोगों को क्या था, हम लोगों के लिए पिताजी से बढ़कर तो कोई चीज़ थी नहीं ना, हमने जो उन्होंने अमाउंट कहा वो अमाउंट उन्हें हमने दे दिया, भाई जाके अपने मतलब वहाँ पे पैसे दे दिए और महामृत्युंजय जब अपने पिताजी की प्राणों की रक्षा के लिए हमने जप कराया। यहाँ फ्रेंड एक बात ध्यान देने की ये है कि महामृत्युंजय जप मृत्यु को टाल सकता है
आकस्मिक मृत्यु को टाल सकता है, जो ऊपर वाले ने भेजी है उसके लिए नहीं। अगर आपकी कोई बीमारी है, आपकी आकस्मिक मतलब कोई बाई चांस जैसे छत से कोई गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु नहीं आई थी उस वक्त, पर वो इतने भयंकर तरीके से चोट लगी उसको कि उसका दिमाग फट गया, नसें वो हो गई कि वो मर गया, लेकिन उसकी डेथ लिखी नहीं थी, तो महामृत्यु ये जप करने से पूर्ण, मैं यहाँ पे एक उसका उच्चारण पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए और जो पंडित उसको कर रहा है पूर्ण स्वात्विक होना जरूरी है। ये बात फ्रेंड बहुत जरूरी है। खैर हमें तो पता था कि कौन से हैं हमारे ऐसे वो जिनसे महामृत्यु जी, तो मुझे आश्चर्य ये है आज तक कि एक दिन व्रत चला तो मतलब हम जो कर दिए, यानी कि आज रात्रि से जप करना शुरू होगा, उसके लिए शायद सब ब्राह्मण जो सारी रात जप करते थे, मतलब 24 घंटे का जप होता है, तब वो आकस्मिक मृत्यु, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाली उसने जो मृत्यु की भेजी है वो नहीं टलेगी, आकस्मिक मृत्यु इस जप से टल सकती है। तो 7 पंडित जी ने और जो भी उनकी क्रियाएं होंगी, जो भी विधि विधान होगा, जो भी मतलब कर्म वगैरह कांड होंगे, जो भी मतलब प्रोसीजर होगा वो उसके से करने लगे। रात में उन्होंने पूजा शुरू की, सुबह 10 बजे, इतना मुझे आश्चर्य है कि जो हमने इकट्ठी राशि दी थी, अमाउंट बहुत छोटा भी नहीं था, आप समझ सकते हैं अगर इस तरह के पंडित ने कोई हमने कार्य कराए तो वो कोई छोटा अमाउंट नहीं होगा, बहुत बिग नहीं था लेकिन अच्छा खासा बड़ा अमाउंट था, वो हमने अपने पिताजी के लिए वो जप करने के लिए दिया था, वो अमाउंट सुबह पंडित जी आके केवल एक रात जो उनका घी के दीपक जले होंगे, जो पूजन पाठ की जो फूल वगैरह मतलब जो कुछ भी चीज़ें आई होंगी अगरबत्ती वगैरह, उतने पैसे काट के उन्होंने आके हमें वापस कर दिए। उन्हें उतना क्या अनुभव हुआ क्या नहीं, बस उन्होंने भाई से एक ही शब्द कहा, ये मृत्यु ऊपर वाले ने भेजी है, ये तल नहीं सकती, ये तुम्हारे पिताजी की आकस्मिक मृत्यु नहीं है, उनके पृथ्वी पे दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए आप अपने ये पैसे वापस लीजिए। मैं मेरा भाई मेरी सिस्टर हम लोग सरप्राइज, हमने अपनी माँ को कुछ नहीं बता रखा था उस समय, मम्मी तो क्योंकि उन्हें ये बात हम नहीं बता सकते थे, अकेले में ले जाके केवल ये राज केवल मैं और मेरे भाई और भाभी के बीच था कि पंडित जी ने हमें पैसे वापस कर दिए हैं और उन्होंने कह दिया है कि ये मृत्यु है वो बस कुछ ही टाइप के यहाँ पर मेहमान हैं, ऊपर वाले की यहाँ तो उनका बुलावा आ चुका है, इसलिए आप इस अपने पैसे वापस ले। मैं आज तक नहीं मतलब पर समझ पा रही कि उन्हें ऐसा क्या, लेकिन ईश्वर ने उन्हें कुछ ना कुछ इशारा तो किया, और इससे ये बात भी प्रूव होती है कि महामृत्युंजय जप में बहुत शक्ति है, क्योंकि आजकल के जमाने में इतना बड़ा अमाउंट जो भी हमने दिया था, आप सोच सकते हैं कि बहुत छोटा नहीं हो, वो पूरा का पूरा अमाउंट में उन्होंने मात्र एक रात में जो पैसे खर्च होंगे पूजा पाठ में वो बहुत कम अमाउंट था, उसे डिडक्ट करके हमें हमारे पैसा लौटा। अब मैं और मेरे भाई को सोची 3 दिन पहले से पता चल गया था कि हमारे पिताजी बहुत कम कुछ ही वक्त के मेहमान हैं। वो घटना मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो मेरा बहुत लंबा हो रहा है, फिर हमने वो 3 दिन कैसे काटे ये रहस्य केवल मैं मेरे भाई मेरी भाभी और मतलब कई कुछ ही लोगों के बीच में था कि हमारे पिताजी यहाँ पृथ्वी पर सिर्फ 2 दिन के मेहमान हैं। हमने अपनी मदर को नहीं बताया, बहुत सारे कैसे बता दिया, लेकिन उससे अब एक बात बिल्कुल 100% साबित हो गई है कि ये चाहे गायत्री मंत्र हो चाहे महामृत्युंजय जप हो या इस तरह का कोई भी पावरफुल मंत्र है, अगर इसको आप पूर्ण विधि विधान से करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल होता है और वो प्रतिक्रिया मतलब पता चल जाता है। अब आप सोचिए अगर इस जप में इस महामृत्युंजय जप में कुछ पावर नहीं होती तो पंडित जी को कैसे पता चल गया 2 दिन पहले ही कि ये मृत्यु ऊपर वाले ने भेजी है, आकस्मिक नहीं है, कैसे पता चला कि आकस्मिक नहीं है ये मृत्यु, इट मीन्स
इन मंत्रों में शक्ति होती है। बस मुझे यही कहना है आपसे, फिर मैं मिलते हैं जल्दी ही अपने ज़िंदगी के एक दूसरी घटना के बारे में, जिसमें आपको फिर बहुत सारा आश्चर्य होगा मेरे समेत, और कि इस तरह की